27 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति अपनी पुत्री को जो मानसिक रूप से बीमार थी उसका इलाज कराने के लिए पटना जंक्शन आए थे, और इलाज कराने के क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गेट नंबर 4 के पास उसको बिठा कर पानी पीने के लिए गए। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति ने उस पुत्री का अपहरण करके ले गया अपने साथ। जब वो आए वापस तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति उनके पुत्री को ले जा रहा है। इसके आलोक में काफी उनके द्वारा खोजबीन किया गया लेकिन मिला नहीं, तो पटना जंक्शन पे उन्होंने 28 तारीख को एक रेल थाना पटना जंक्शन कांड संख्या 1067 दर्ज किया गया, और उसके बाद हम लोगों द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। लगातार तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, उसकी पहचान की जा रही थी, किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच कल पता चला कि अभियुक्त एक व्यक्ति के द्वारा बक्सर में उनके घर पे अपहृत को पहुंचाया गया वहां। उसके बाद अपहृता की बरामदगी की गई है और उनका अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है, और जो व्यक्ति जो पहुंचाया है उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति का फोटो आया है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो वजह क्या था उसका, साफ वजह ये बता नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं यही कि वो उसको इलाज कराने के लाए थे। उनके जो पिताजी के द्वारा बताया गया है कि वो इलाज कराने के लिए लाए थे और उसके बाद पानी पीने के लिए गया, वो किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाएगा। गैंग कोई एक्टिव है? नहीं, गैंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है। चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और यहाँ पे जीआरपी और आरटीएफ काफी मुस्तैद है, तो गैंग के एक्टिव करने की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है, नहीं कोई वर्तमान में कोई गैंग एक्टिव है। नहीं, अभी उस दिन हम लोग सघन पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई काम करते हैं, ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पहुंचाया गया है उस बिंदु पे भी कैसे पहुंचाया गया पटना जंक्शन से, तो वो सारे बिंदु का हम लोग जांच कर रहे हैं। संलिप्तता नहीं है? नहीं, उसकी संलिप्तता के बिंदु पे भी गहन पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने संदेह के परिधि से अलग रखा है, लेकिन उनके संलिप्तता के बिंदु पे जांच की जा रही है, और जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लड़की चूंकि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही है। एक बात बताइए, बहुत सारे बिंदु जो है वो हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। दुष्कर्म होने की बातें पुलिस को बताइए क्या? अभी बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और हम लोग उस बिंदु पे जांच उसका चिकित्सीय जांच भी हम लोग करा रहे हैं। सभी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, वो थोड़ा अनुसंधान में हम लोग उसको। कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या हुआ जब कोई जानकारी नहीं आप लोग दे रहे हैं? कोई जानकारी अब आप प्रारंभिक पूछताछ में आके उसमें बताया? और वो इलाज कराने के लिए लाए थे संजीवी से। मामला दर्ज हुआ है दूसरे को? हाँ, 28 तारीख को उन्होंने मामला दर्ज कराया है पटना जंक्शन। लगभग सर 4 से 5 दिन हुआ, लड़की कहाँ रही और कहाँ नहीं रही इस बात का कुछ जानकारी? नहीं, 4 से 5 दिन नहीं हुआ है। 27 तारीख को लड़की यहाँ से गई और 29 तारीख को लड़की को घर पर पहुँचाया, तो 2 दिन बीते और हम लोग सारे बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, अनुसंधान उस पर चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया है उसको सारा हम लोग को है उसको री जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। उस बिंदु पर अनुसंधान अभी चल ही रहा है। थैंक यू।